हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अलकाता वंशा करो, अलकाता वंशा करो, अपना जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, we want justice, we want justice, मुहाजरी जिंदाबाद, all जॉइंट के सबसे एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, अलकाता वंशा करो, अलकाता वंशा करो, अलकाता वंशा करो, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice, फांसीस्ता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ करो, गवर्नर तेरे सरकार में करते हैं, हाय हाय करते हैं, हाय हाय करते हैं, हाय हाय करते हैं, we want justice, we want justice, अलका को वंशा करो, अलका को वंशा करो। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं बशीर अहमद बट प्रेसिडेंट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन, यहाँ पर यह आपसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आज फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन सड़कों पर आए हैं। इसकी वजह है कि यकम अप्रैल 2020 को फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को एक गैर जानबदाराना फैसला लेकर इसको कंपनी की सूरत में वजूद में लाया गया, और तब से लेकर आज तक मुलाजमी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन तनख्वाह के लिए तड़प रहे हैं। पिछली बार 3 महीने का तनख्वाह दिया गया और आज 4 महीने हो गए हम तनख्वाह से महरूम हैं। अगर जो मरकजी सरकार ने 230 करोड़ का ग्रांट इंडियन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को दिया है, ये 230 करोड़ रुपया उन्होंने इसलिए दिया है कि मुलाजिम की सैलरी वागुजार की जाए और दीगर ऑपरेशन के लिए खर्च किया जाए, मगर बदकिस्मती से हमारी ये सैलरी रिलीज नहीं हो रही है, जबकि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने पिछले 8 महीनों में यहाँ से 80 करोड़ का रेवन्यू दिया। मैं यहाँ पर यह बात वाजा करना चाहता हूँ, ये तो खुशकिस्मती की गवर्नर साहब के जरिए कंट्रोल हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो और चीफ सेक्रेटरी साहब के थ्रू फाइल्स जाती हैं, मगर बदकिस्मती से हमें बहुत मुसीबत का सामना उठाना पड़ता है क्योंकि हमारी रसाई गवर्नर साहब तक नहीं है। इसके साथ साथ हमारे डिलीवेजर हैं जो 25 साल से काम कर रहे हैं, उनकी फाइल फिट है, कंपनी अथॉरिटी ने लगाया है, उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता है। पिछले 2 साल में हमारी 30 मुलाजमी की डेथ हो गई, नहीं उनको SRO 43 दिया जाता है, न उनको कैश कंपनसेशन दिया जाता है, और जो हमारे मुलाजमी दूर दराज जंगलों में काम करते हैं उनको कोई बुनियादी सहूलत फराहम नहीं है। इसलिए हम सरकार को ये वार्निंग भी दे रहे हैं और गुजारिश भी करते हैं कि अगर हम हमारे मसाइल 10 दिन के अंदर अंदर हल न किए गए तो हमें मजबूरन जम्मू का रुख करना पड़ेगा, और वहाँ पर राजभवन के सामने इंशाल्लाह फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन यूनियन के तमाम अहदेदारान एहतजाजी मुजाहरा करेंगे।